नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक फ्लावर प्लांट होने के बावजूद ये परमानेंट प्लांट रहता है और 12 महीने हमारे गार्डन में ये चार चांद लगाते रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस पौधे के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बहुत ही खास पौधा है और इसका जो फ्लावर का पैटर्न है वो बहुत ही खास रहता है। बंचेज में इसके फ्लावर होते हैं और ऐसा नहीं है कि सारे फ्लावर एक ही दिन में खिल जाएं, धीरे धीरे करके। जिस तरह से आप देखिए, इसमें तीन चार फ्लावर खिले हुए हैं, उसके बाद दो फ्लावर खिलने के लिए रेडी हैं और बाकी के फ्लावर धीरे धीरे, जो आप बर्ड्स देख रहे हैं, धीरे धीरे खिलती रहेंगी। और कुछ इस तरह से ये बंचेज का रूप ले लेंगे। देखिए जिस तरह से ये बंच बना हुआ है, और ये एक दूसरा कलर और मेरे पास जिसका एक बंच इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने गुलदस्ता इसको बना दिया है और गिफ्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे हम गुलदस्ता भेंट करते हैं, वैसे ही कुछ इस तरह से ये बना हुआ है और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनकी वैराइटीज़ कौन कौन सी होती हैं। देखिए दोस्तों, जो जरेनियम होता है वो दो तीन वैराइटीज़ में आता है। सबसे पहले तो ये वैराइटी जो आप देख रहे हैं, ये वाली वैरायटी इसकी हाइब्रिड वाली है, और हाइब्रिड वैरायटी में कलर ऑप्शन काफ़ी रहते हैं और जो फ्लावर का पेटल्स रहता है, साइज रहता है, वो भी डिफरेंट रहता है। ये देखिए इस तरह से कुछ इसका स्टाइल रहता है। एक जो ये वाली वैरायटी का पौधा आप देख रहे हैं, ये देसी वैरायटी है और इस पर जो फ्लावर आएंगे वो कुछ इस तरह के नहीं आएंगे, कुछ सिंपल टाइप के इस पर फूल आएंगे। एक और वैरायटी है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाली वो वैरायटी है और ये हैंगिंग बास्केट्स के लिए होती है। ये बेल वाली वैरायटी होती है और ये हैंगिंग बास्केट्स में कुछ इस तरह से लगाई जाती है। इस पर भी फ्लावर आएंगे और ये चूँकि मैंने अभी लगाई है कुछ दिनों से, तो अभी इस पर फ्लावर नहीं आए हैं, कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। तो एक तीसरी वैरायटी ये है। तो कुछ एक तीनों वैरायटी मेरे पास हैं ये, और मैंने आपको दिखाई। अब बात करते हैं इसको प्रोपोगेशन कैसे करनी है, इसको लगाना कैसे है। सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा, आप इसको सीड्स से ग्रो कर सकते हैं। सीड्स आपके अवेलेबल रहते हैं, ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं आप। अगर लोकल आपकी कोई शॉप्स आपके निकट है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ, इसको आप जो कटिंग है उससे भी ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए, ये मेरा पौधा है, इसमें अगर दो तीन ब्रांचेज हैं और मैच्योर वाली ब्रांच है, तो उस ब्रांच से आप इसको उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। वैसे ये परमानेंट प्लांट है, पूरे 12 महीने आपके गार्डन में ये रह सकता है, लेकिन जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे सर्दी गर्मी बरसात है, तो अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जो टेम्परेचर है वो 40-45 पर पहुंच जाता है गर्मियों में, तो इस पौधे के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर 30-35 तक अगर रहे, तो फिर ये पौधा आपके पास 12 महीने रहता है। और इसको सनलाइट बहुत पसंद है। गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट नहीं दीजिएगा, गर्मियों में इसको शेड के नीचे, ग्रीन नेट के नीचे रखना होता है। लेकिन सर्दियों में इसको, जैसे आजकल का मौसम है, पूरी भरपूर इसको लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, और ऐसी जगह इसको रखिए जहाँ पर फुल 4-5-6 घंटे की धूप आती हो। वैसे तो जितने भी फ्लावर प्लांट होते हैं उनको सबको ही धूप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट धूप के ये फूल प्रोड्यूस नहीं कर पाते। कुछ एक फूल हैं, पौधे हैं, जो अगर आप धूप में नहीं भी रखेंगे तो वो फ्लावर देते रहेंगे। तो उस पर एक अलग टॉपिक है, एक अलग वीडियो उस पर किस दिन फिर से बनाई जाएगी। तो सनलाइट की बात हो गई, अब बात हो गई प्रोपगेशन के बारे में भी हो गया। अब ये कि ये इसको किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है, वेल ड्रेन या कैसी। देखिए मिट्टी की बात ये है कि ये एक थोड़ा सा
केयर ज़्यादा मांगता है ये पौधा, तो इसकी जो मिट्टी है एक तो वेल ड्रेन होनी चाहिए, दूसरा पानी ज़्यादा ना रहे, और पानी तभी दें जब ये बिल्कुल सूख जाए। ऐसा नहीं है कि पौधे में पानी होल्ड हो गया तो इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं। तो ये देखिए, ये इसमें हमने खाद भी दी हुई है और इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी हल्की सी खुश्क बनी हुई है अभी भी। तो ऐसी इस तरह से इसको रखना है, ये इसकी सावधानी है। और अगर फर्टिलाइज़र की हम बात करें तो आप दोनों तरह का फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में भी आता है और आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी इसको दे सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो। केमिकल में जैसे DAP वगैरह दे सकते हैं 8-10 दाने इसमें, या फिर आप NPK दे दीजिए। NPK 19-19 रहेगा, ठीक एक चम्मच, वो भी 15-20 दिन में। आप पौधे के हिसाब से, छोटा पौधा है तो आप थोड़ी मात्रा कम, और अगर मैच्योर पौधा है जैसे मेरा ये पौधा आप देख रहे हैं तो आप एक चम्मच इसमें दे सकते हैं। और अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो आप गाय के गोबर की अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर आपके पास अगर केले के छिलके की सूखी खाद है, पत्तियों की खाद है, वो आप इसको हर 15 दिन में दे सकते हैं। देने में दोनों तरीके आप अपना सकते हैं, आप डायरेक्ट इसकी मिट्टी में भी दे सकते हैं, और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं, जैसे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसकी स्प्रे भी करते हैं, वो क्या करता है कि जो फ्लावर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है पौधे की वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, और जो पत्तियाँ हैं वो भी हष्ट पुष्ट रहती हैं बिल्कुल, और फूल अच्छे आते हैं, बंचेज में आते हैं। तो यही सारी आप खाद इसको देंगे तो आपका पौधा बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहेगा और अच्छे से बना रहेगा। तो आज की जानकारी थी इस पौधे के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक चीज़ और है, जो घंटी का बटन है, बेल आइकन, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, और ऐसे ही आप इन्फॉर्मेशनल वीडियो हमारी देखते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।